तो डिजायर होनी चाहिए सबके अंदर। देखो मुश्किलें आती है, आप पढ़ने लगोगे तो कोई भी चैप्टर आपको आसानी से कभी समझेगा कभी नहीं समझेगा, कभी आपको बहुत हाई लगेगा कभी लो लगेगा, कभी डिप्रेशन लगेगा, ये सब पार्ट है बेटा, पूरे आपके जर्नी के पार्ट है ना, अनुभव से बता रहा हूं, ये जर्नी के पार्ट है और ये किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में आने वाले ये हिस्सा है, इससे कोई नहीं बचने वाला, तो आप भी नहीं बचोगे, तो आपको भी कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, कभी पढ़ने का मन करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली आपके रास्ते पे आपको रहना है। और जो इंसान इन तमाम मुश्किलों को प्रेजेंस में रहते हुए भी जो इंसान आगे बढ़ता है अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है उन्हीं को सफलता मिलती है बेटा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बेटा, व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस इज व्हाट, या फिर सक्सेसफुल पर्सन कौन होता है, द सक्सेसफुल पर्सन इज व्हाट अ कंसिस्टिंग फेलियर है ना, अ कंसिस्टिंग फेलियर हु ट्राइज वन मोर टाइम आफ्टर एवरी फेलियर। तो सक्सेस डजंट मीन एब्सेंस ऑफ फेलियर, इट इज अ व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फेलियर्स इज व्हाट द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट सो मेनी फेलियर्स इज व्हाट सक्सेस। ये मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ बेटा, इसी प्रिंसिपल पे मैं काम करता हूँ। तो हमेशा हम सबको अपने लाइफ में बहुत बड़ा एम होना चाहिए, जैसे अब्दुल कलाम बोलते हैं ना, लो एम इज व्हाट ट्राई, बड़ा सोचना चाहिए जिंदगी में है ना। कोविड ने दिखाया कि हम मेडिकल साइंस में आज भी कितने पीछे हैं।